साहब पत्रकार शकीला शेख और मेरे मर्द फारूक शेख, इन्हों मुझे 5 लाख रुपये मांग रहे। या बाबत मिळालेली अधिक माहिती अशी की सना उमर फारूक शेख राहणार विजापूर नाका शक्तीदेवी मंदिर 1 नंबर झोपडपट्टी सोलापूर, यांचा विवाह दिनांक 23 डिसेंबर 2020 रोजी मुस्लिम धर्मानुसार रीतिरिवाजाने फारूक शेख यांच्याशी संपन्न झाले होते। लग्न होऊन 1 महिना पूर्ण झाले व त्यानंतर यातील सना यांचे पती फारूक शेख यांनी आपल्या पत्नीस त्रास देण्यास सुरुवात केली। मला तुझ्यासोबत राहायचं नाही, मला गाडी पाहिजे, मला तुझ्या आई वडिलांकडून पैसे आणून दे, असे म्हणत वारंवार पत्नी सना शेख यास त्रास देण्यास सुरुवात केली। दरम्यान पत्नी यांनी याचा विरोध केला असता पती फारूक शेख यांनी आपले नातेवाईक पत्रकार शकीला शेख यांच्याकडे घेऊन गेले आणि त्यावेळेस पत्रकार शकीला शेख म्हणाली की क्या गे तेरा मर्द बोल रहे सो तुझे समझ में नहीं आ रहा क्या, हमारे को 5 लाख रुपए तेरे माँ बाप कन से ला कर दे, नहीं तो देख फिर। इससे पहले एक शादी मैं फारूक की करी थी, उन्हें भी पैसे नहीं दी, इसीलिए हम उसे तलाक दिए, अब तू पैसे नहीं देंगी तो हम तेरे को भी तलाक देंगे, असे म्हणून दमदाटी करण्यास सुरुवात केली। इतकंच काय, हे सर्व प्रकरण खुद फारूक यांच्या कुटुंबासमोर होत आहे बर का। यात पती फारूक शेख, सासू करीमा शेख, सासरे गफूर शेख, बिलाल शेख, त्यांची पत्नी करिश्मा शेख, मोठे धीर यासीन शेख व त्यांची पत्नी तबस्सुम शेख यांच्यासमोर हे सर्व प्रकरण घडत होते। तरी देखील तेही गप होते, कारण तेही वारंवार सना यास पैशासाठी आणि इतर किरकोळ कारणासह मारहाण करत असल्याचा आरोप यातील खुद्द पत्नी सना उमर फारूक शेख यांनी केलेले आहे। दरम्यान इतकेच नव्हे तर सदर पत्रकार म्हणून मिरवणारी बाई शकीला शेख हे खोटी असून याच्यावर गुन्हे सुद्धा दाखल आहेत। आता या शकीला शेख याला सोलापुरातून तडीपार करावी अशी सुद्धा मागणी यातील कुटुंबांनी केलेली आहे आणि या पत्रकार शकीलामुळेच सना शेख याच्या संसारात मिठाचा खडा पडलेला आहे असा देखील आरोप होत आहे। अशा लोकांमुळेच चांगल्या पत्रकारांची बदनामी देखील होत आहे, यामुळे अशा लोकांना सोलापुरातून तडीपार करावी अशी आशा अपेक्षा यातील कुटुंबांनी व्यक्त केली आहे। मेरा नाम सना शेखुंबर पटेल है, मैं सैफुल गर्जनाचौक के पास, मेरी शादी 23 दिसंबर 2020 उमर फारूक गफूर शेख के साथ हुई। शादी हुए से 15 दिन से मुझे मानसिक टॉर्चर करने लगे, मेरे माँ बाप पास से 5 लाख रुपये लाभ दे, मैं तो तलाक दे तू, मैं तो फांसी ले तू, 5 लाख रुपए मैं क्या भी कर को लाख दे, मैं मेरे माँ बाप पास नहीं है बोली, डरे डरे धमके मारे, लाख दे 5 लाख रुपए, बोले नहीं नहीं है मेरे पास, मेरे माँ बाप पास नहीं है, शादी करे सो हाथ खाली होला उनका, बोली मैं बोलने के बाद उन्होंने मारे है डरे, मेरे माँ बाप शादी में डाले से 5 तोले सोना निकाल के दे, ला के दे नहीं तो तलाक दे, बोले सर शकीला आंटी के पास लेकर जाएंगे इसका, उन्हें क्या है तो उन्हें दिखा थी इसको, फिर उस दिन रात को मेरे को लेकर गए। किसके पास लेकर गए? पत्रकार शकीला आंटी, बहुत बड़ी पत्रकार है, मेरी सासू माँ बोली बहुत बड़ी पत्रकार है, उन्हें शकीला आंटी क्या है उन्हें एक चुटकी में ऐसे कैसे सॉल्व करती, ऐसा बोलकर लेकर गए मेरे सास करीमा शेख, शोहर उमर फारूक गफूर शेख, जेठी यासीन शेख, रात में 10 बजे लेकर गए, वहाँ ले जाने के बाद मारे डरे धमके, शकीला आंटी बोली मैं सब में बड़ी पत्रकार हूँ, ऑल इंडिया मेरे हाथ में है, कई को लाखों दे उनको पैसे तो कई को नहीं सुन रही उनके बात, मारे मुझे शकीला आंटी, वो घर में के काम लगे मेरे को, फांसी ले तू बोली, मैं नहीं मानने के बाद इससे पहले भी हमें एक लड़की की शादी करे थे, उन्हें हमारी बात नहीं सुनी नहीं मानी, नहीं लाख दी बोल को उसको तलाक दे को ये रास्ते से हटे, अभी तू कहाँ थी तुझे भी अभी हटा दे, ये सुनकर मैं बेहोश हुई, बेहोश होने के बाद मेरे माँ बाप को बुलाए उन्होंने,
मेरे माँ बाप मेरे को लेको गए। हसीना शेख उमर पटेल, मेरे बच्ची को बड़े अरमान से मैं शादी करी थी, 10-12 लाख रुपए खर्चा करके बच्ची को शादी करे, हमें बच्ची संसार होएगा घर बसेगा बोल के बच्ची को शादी करे थे बड़े अरमानों से। लेकिन ये लोग ऐसे झूठे ऐसे लालची लोग आने के लिए मेरे बच्ची को तकलीफा देने लगे, 5 लाख रुपए लाख उसे दे बोल को माँ बाप पास ले को, हमें शादी होकर हाथ खाली उसको कहाँ से 5 लाख देंगे 15 दिन में। मेरे बच्ची को बहुत जुल्म सितम करने लगे ये बच्चे, ये लोग पैसे के लालच में बच्ची को रात रात भर सोने देने का नहीं कैच नहीं, बच्ची को डराना धमकाना। पत्रकार शकेला आंटी है बोल को, पत्रकार आंटी का नाम बोल को मेरे बच्ची को डराने लगे धमकाने लगे, ले जाकर रात रात भर बच्ची को वहाँ पर जुल्म सितम करने लगे, 5 लाख दे नहीं तो फांसी ले नहीं तो तलाक तो दे बोलने लगे। मेरी बच्ची तकलीफों से बहुत गुजर रही थी, मेरे बच्ची के साथ ये लोग नाइंसाफी कर रहे हैं, मेरे बच्ची की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं ये लोग। पहले भी एक बच्ची के साथ शादी करके पहले भी बच्ची को पत्रकार शकेला आंटी एक झटके में हटे ही रास्ते से, तुझे भी हटाते कर बोल को डरा को बच्ची को मेरे जुल्म सितम करने लगे ये लोग। हमें भी बहुत समझा ये लोग को कि बच्ची के हमारी ज़िंदगी ख़राब होगी ऐसा मत करो, आखिरियत में क्या जवाब देना है अल्लाह को, हमारे बच्ची की ज़िंदगी ख़राब होती पहले भी तुम्हें ऐसा करे बोलते हैं करके बोले तो भी नहीं मानने लगे, पहला 5 लाख रुपए लाओ फिर आगे का बात करो जो बनने लगे। जवाई उमर फारूक को अभी समझे हमें, देखो जवाई ऐसा मत करो, हमारी बच्ची पढ़े लिखे से भी है, थर्ड ईयर पढ़ी हमारी बच्ची पढ़ रही थी फिर भी हमें शादी करे तुम्हारे बात पर तुम्हारे को भरोसा करके बोले, तुम्हारी बच्ची को ले जाकर तालाब में ढकलो बोले हमारा जवाई उमर फारूक। फिर हमें हमारे को लोगा पास ही लूट को ले सो प्रॉपर्टी बताए, दुकाना किराने गाड़े आटे की गिरनी मिर्ची की गिरनी है हमारा किराना दुकान है हमारा बोले, और जवाई को नौकरी है कहीं इंजीनियर की सर्टिफिकेट दिखाओ बोले, हमें दिखाओ बोलने में लॉकडाउन की वजह से कंपनियां बंद हैं सर्टिफिकेट देने कर को ऐसी झूठे बातें करे हमारे को फंसाए हमारे को, ऐसा नाइंसाफी कर रहे हैं लोग, मान रहे ना कितना भी हमें समझा रहे हैं, हमको रात की नींद दिन का चैन हराम करके ये लोग बेफिक्र है हमारा, सब बच्ची का दालिस पास तो ले सुनना ले को बच्ची का दहेज तो ले को लोग पूरा लूट को ले को ऐसे आराम में रह रहे हैं, फिर भी तीसरी बच्ची देखते फिर रही है लोग, हमारी भी बच्ची को तलाक देने का सोच रहे सही लोग, ऐसा हमारी बच्ची के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, हमारे बच्ची को इंसाफ है, सभी लोगों से मेरी गुजारिश है मेरी मदद करें, मेरे बच्चों को इंसाफ दिलाए, ये लोग ऐसे झूठे फ्रॉड हैं, ये लोग को अल्लाह की तोहिन देखो पांच टाइम नमाज की पाबंदी बोल को जो ये लोग बच्ची के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, बच्ची के साथ जो जुल्म सितम कर रहे हैं, ऐसे लोग से बच्चियों को बचाओ, मेरी मदद करो, मेरी बच्ची को इंसाफ दिलाओ, इंसाफ दिलाने में मेरी मदद करो, सभी लोगों से मेरे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि मेरे बच्ची को इंसाफ दिलाए।